नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बद्रपुर एरिया में। यहाँ पे एक रेलवे कॉलोनी है तुगलकाबाद में। यहाँ पे एनिमल लवर हैं दो बहनें, एक का नाम कामनी और दूसरी का नाम कंचन। ये लगभग काफ़ी समय से एनिमल एक्टिविटी, ये डॉग्स और कैट्स वगैरह जो भी है ना, खाने का, दवाइयों का ये काम करती है। आइए जानते हैं आज इनसे। हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपका क्या नाम है? नमस्ते सर जी, मेरा नाम कामिनी शर्मा है। मैं रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद में रहती हूँ। मैं 15 साल से एनिमल्स की सेवा कर रही हूँ। इसमें गाय भी है, बंदर मंकी भी आ जाते हैं कभी कभी, और बर्ड्स वगैरह भी हैं। और जो उनका दवाइयों का ट्रीटमेंट होता है वो हम 2 टाइम खिलाते हैं, जिसको जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। अब ये जो इनका जो भी स्टरलाइजेशन वगैरह, वैक्सीन वगैरह ये भी लगवाते रहते हो? हाँ जी सर जी, सबका स्टरलाइजेशन हो रखा है। इर्द गिर्द में बाहर के कोई वैसे आ जाए तो देखते हैं, उसके लिए भी करते हैं। और अभी 3 महीने पहले पपीस को कोई छोड़ गया था, तो फिर हमारी ठल्फर वाली आंटी बोली कि इनको रख लो, नहीं तो तुम्हारे डॉगी इनको मार देंगे। कौन मार देंगे? कितने ये पपीस, ये कितने दिन पहले आए थे आपके यहाँ? ये आए थे गुड फ्राइडे वाले दिन को। नहीं, तारीख क्या थी, महीना क्या था? गुड फ्राइडे 29 फ्राइडे था, मार्च में। अच्छा, कितने हैं? 3 है। 3 की संख्या में, यानी कि आपकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे थाम दी। हाँ। आपके यहाँ छोड़ दिया। हाँ। ये समझ गए कि आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, थोड़ा एनिमल पे ध्यान दोगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन शर्मा है और मैं 15 सालों से एनिमल्स की सेवा कर रही हूँ। लगभग कितने डॉग्स हैं आपके इस एरिया में? रेलवे कॉलोनी है, पहले काफ़ी बड़ी। पहले एक एक करके ऐसे आते गए, टोटल 17 हैं। कोई छोड़ जाता है, कोई गाड़ी छोड़ जाती है, कोई लोग छोड़ जाते हैं। जैसे हाल ही में आपने दीदी से सुना कि गुड फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग में 9 बजे ये 3 पपीज़ छोड़ गए थे हमारे गेट के पास। किसी ने, एक ऊपर वाली आंटी ने देखा तो उन्होंने हमें बोला, अच्छा लगा, ठीक है। बट वो सब सहयोग देने की जगह उल्टे में वो झगड़ा करते हैं हमसे। कि क्या नाम है उनका? वो आंटी का नाम है आपका शशि और उनके बेटे का नाम है गोल्डी। वो काफ़ी हमें डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और वो हमारे बर्तन वगैरह बच्चों के तोड़ देते हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम इन्हें खाना खिलाएं। वो कहते हैं कि शोर करते हैं, ये कहते हैं कि ये पोटियाँ करते हैं। अब आप बताइए कि हम घरों में रहते हैं, इतनी तब गर्मी हो रही है, तप रही है पूरी दुनिया, इसमें हम एसी के मजे लेते हैं, कूलर के लेते हैं, ये मौसम कहाँ जाएंगे? अच्छा, जो ये 3 बच्चे हैं ये उन्हीं ने दिए थे आपके यहाँ, वही छोड़ के गए थे? और जो ये बातें बोल रहे हैं आपको, जो बातें बोली जा रही है वो वही लोग बोल रहे हैं इन्हें? और इस कॉलोनी में और भी किस तरह के लोग रहते हैं? ज़्यादातर कोई एनिमल हेटर है या लवर है? हेटर्स ही मिलेंगे आपको। इनको ये है कि अपने घर में, एक तो इनका डायलॉग ये है, अपने घर में ले जाओ, अपने घर में ले जाओ। आप सर बताइए, छोटा सा कॉलोनी में एक दो ही तो कमरे हैं, कितने आप रख पाएंगे? तो घर में फिर भी जितने मैं कर सकती हूँ उतने करती हूँ। 2 कमरे हैं, एक में मम्मी और पापा फैमिली रहती है, एक में मेरे कम से कम 8 डॉगी रहते हैं। इन पपीज़ को छोड़ के 5 बड़े हैं और 3 पपीज़ हैं। अच्छा, घर में आप रखते हो? घर में भी इनकी दवाइयाँ वगैरह मेडिकल हो करवाते हैं? हाँ जी सर जी, घर में मेडिकल वगैरह दवाइयाँ सब काम करते हैं, जो जिसको जो जो प्रॉब्लम आती है। तो सुना आपने, ये रेलवे कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 2 बहनें हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे गर्मी है काफ़ी, इस गर्मी में आप पानी के लिए क्या करते हैं? जगह जगह पे लोगों को बोलते हैं, जैसे कार के नीचे डॉग सोए रहते हैं तो उनको कहते हैं अपने गाड़ी चलाने से पहले ध्यान दीजिए, देख लीजिए फिर गाड़ी चलाइए। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, जिससे कि बहुत डॉगियों का एक्सीडेंट भी किया था। एक इसी चक्कर में एक इंसान को भी ख़त्म कर दिया था, एक्सीडेंट कर दिया था। तो हम चिड़ियों के लिए पानी अलग रखते हैं, बंदरों के लिए नीचे अलग रखते हैं, गाय के लिए बाहर भी रखते हैं। लोगों को, कुछ लोगों को बुद्धि आई है, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं आई है। कुछ लोग जैसे कि एनिमल लवर हैं, एनिमल के लिए जो जहाँ पे जब पैदा होगा बच्चा, चाहे डॉग्स हो, कैट्स हो या आपका कोई और जानवर हो, जहाँ वो रहता है तो कानूनन वही रहेगा, ज़बरदस्ती से कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल, ये भी कानून है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कटीले तार बांध देते हैं जानबूझ के ऊपर छतों पे, जिन पे ज़बरदस्ती आते हैं बैठते हैं तो उनके जख्म भी हो जाते हैं, और जख्म का इलाज कराने वाला कोई नहीं है। ये भी एक क्राइम है, ये भी सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, यहाँ पे खाली जितने भी ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे लोग पहले रहते थे, बस टूटी बिल्डिंग के कारण से लोग छोड़ के चले गए हैं। तो जिस डॉगी को अपनी महल, मतलब छुपने की जगह नहीं मिलती, छतों पे आ जाते हैं, उनके लिए हम पानी का प्रोवाइड करते हैं, रखते हैं। लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, छिड़के मारे बर्तन फेंक देते हैं। कितने फेंक चुके हैं मगर फिर भी मैं जिद्दी हूँ, मानती नहीं हूँ, मैं फिर से बाल्टी वहाँ पर पानी के लगा देती हूँ। बहुत से लोगों को दुख लगता है कि तू क्यों रखती है, क्यों करती है। मैं कैसे समझाऊँ लोगों को कि अगर हम कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, मान के चलिए, कम से कम पानी तो पिला ही
ही सकते हैं ना, मगर कुछ लोग इसमें भी हमें डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बहुत दुखी हूँ लोगों से। सुना आपने, तो यहाँ पे इन्हें बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, और एनिमल लवर हैं, काम करते चले जा रहे हैं, और इनका कहना है कि काम हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, चाहे कितनी भी दिक्कतें आएँ उसका सामना करते चले जाएंगे। आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।